करेगा, अभी देखा ही नहीं खोल के। इधर मरे हुए एक सब्सक्राइबर हमारा बढ़ रहा होता ना कसम से, एक सिर्फ एक एक आधा किलो खून बढ़ जाता है हमारा पूरा दिन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज जफर अल्ला खान और आप लोग देख रहे हैं ZS व्लॉग। आज का जो व्लॉग होने वाला है ना वो मेरी यारों के साथ है, और यारों के साथ जो मेरे बैठ के तफरियाँ होती है ना वो आप लोग देखोगे आज के हम लोग क्या तफरियाँ करते हैं। जाएंगे चाहे के होटल ही बैठेंगे और कहीं नहीं बैठेंगे, लेकिन बड़े दिनों बाद हमारी संगत हैदराबादी वर्ड है, हैदराबाद में बहुत बोला जाता है संगत। आज संगत हमारी लगेगी, जमेगी, तो मेरे साथ रहो और देखते रहो। लेकिन एक पहले एक छोटा सा अर्ज करूँगा मैं शेर दोस्तों के ऊपर। छोटे से दिल में गम बहुत हैं, जिंदगी में मिले जख्म बहुत हैं। छोटे से दिल में गम बहुत हैं, जिंदगी में मिले जख्म बहुत हैं। अरे कब की मार डालती ये दुनिया हमें, मगर मेरे दोस्तों की दुआओं में दम बहुत है। अरे वाह 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 कर देना कमेंट में, और चलो साथ फिर निकलते हैं। ये जो दोस्त है ना, ये लाइफ के बड़े इम्पॉर्टेंट आपके चीज़ें होती हैं। निकलने से पहले मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में दोस्त। मुझे बड़ा अच्छा याद है और मेरे जहन में अभी तक वो चीज़ बसी हुई है कि आपके साथ कोई भी एक क्राइस मिसहैप हुआ होता है, मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती, कुछ भी होता है, लेकिन दोस्तों के मामले में कभी कुछ नहीं होता। अच्छा, लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था कि मेरे लेग जब फ्रैक्चर हुई थी, मेरी टांग जब फ्रैक्चर हुई थी, तो रात को तकरीबन 5 बज रहे थे, तो मैंने फ़ोन करा दोस्त को कि भाई यार मेरे टांग में लग गई है। जवाब को कज़न है मेरा और फ्रेंड भी है, फ़ोन करा भाई मेरे लग गई है। भाई रात को 5 बजे बंदा घर पहुंच गया मेरे, ये होती है दोस्ती। तो ये थोड़ा सा इमोशनल था, मेरी लाइफ का बड़ा इमोशनल पार्ट था, तो इतना टाइम नहीं लूँगा। तो चलो मीट माय कजन दानियल। बाद में मिला था मुझे, तो हम लोग थोड़े सा बैठे हैं अभी तफरी कर रहे हैं। तो आज का मेरा व्लॉग इसी के ऊपर है कि तफरी विद फ्रेंड, और मेरे दो फ्रेंड हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, कजन एक भी फ्रेंड एंड कज़न दोनों। तो आज हम लोग बैठे हुए हैं एक जगह, बड़े दिनों बाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो बड़े दिनों बाद मेरा ये व्लॉग है, और मैं थोड़ा सा व्लॉग नहीं कर पा रहा था कुछ। और ये मुझे कूलर तंग कर रहा है, ये मेरी नज़रों के सामने आ रहा है बार बार, ये कूलर मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ इससे। ये तो मैं स्लो मोशन लेता हूँ इनका भाई, ये तो पूछा तैयार होगी। अच्छा, गाली लाभ तैयार होगी, गाली बक सकता हूँ, गाली भी मैं नहीं, मेरे ब्लॉग में गाली। अच्छा जी, नहीं मैं वैसे भी गाली नहीं बकता। ये मेरे जो ये महाशय है, ये साहब कहने लगे जरा VIP तैयार हो जाए ना। अच्छा मैंने ये सुना था, मैंने सुना था ये जो मैंने बोला वो बोलो। अच्छा मैंने ये सुना था, पाक हो गया। हाँ पाक हो गया ना, मैं पाक होने के चक्कर में तैयार भी हो गया। तो ये कुछ समझ रहे थे कि निकाह करवाना है इनका आज, ये ऐसा तैयार हो गया है ना। मुझे नहीं पता इनको कब्रिस्तान लेके जाना, मुझे हमें इतनी नहीं, मैंने कब्रिस्तान का भी थोड़ा सा शॉट डाला था। डाले आपने शॉट, चलो मुर्दे भी खुश हो जाएगी। अच्छा कहते हैं कि कब्रिस्तान के बाद जो है वो खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, खामोशी अख्तियार करी और हम लोग वेट करें हम लोग खामोशी। मैंने इस वजह से वहाँ से मैंने बोला पालू क्या रहा है, रेडी होकर बैठ गए, इतना तरसे भाई बहुत तरसे हुए वो इंसान का बच्चा बन गया, इंसान का बच्चा। देख अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फुटबॉल फुटबॉल खेलेंगे, क्या हो गया, खेलेंगे फुटबॉल भाई, आप लोग भी खेलोगे, खेलोगे खेलोगे ना फुटबॉल। आज जो है ना फुल तफरी चलेंगी भाई, ये जो है ना ये हम
ज्यादा घूम गया था। ये बहुत टाइम बाद हमें मिल रहा है। ये खबीस का बच्चा जब से शादी हुई ना बेगम के गुलाम हो गया। आज इसकी बेगम आज इसको घर से निकाला मैं, मेरी पकड़ के मेरी लड़ाई हुई भी है और ये एक जगह मुंह नहीं मारता भाई। लो हमें खुले पंछी, हां खुले पंछी है भाई, खुले पंछी है। जहाँ देखता है ना बस ये कुत्ता कब मजा आएगा यार, दिमाग खराब बिगड़ गया यार। रुक दो दो है अबे हो रे तो भाई आप बताएं कि माशाल्लाह से आप लोगों को ये टिप दे कि आप जो शाहरुख खान साहब के बाद एक रोमांस करने में महारत रखते हैं तो सर रोमांस नहीं करते यार। तो भाई आप ये बताएं कि शाहरुख खान साहब के बाद आप जो है रोमांस करने के माहिर हैं तो लोगों को जरा अपने व्यूअर्स को थोड़ी सी टिप दे कि बच्चों को कैसे फंसाए जाते अब तुम ये बोलो तुम्हें चाहिए जी जी हमें सिखाना, तुम्हें सिखाना है तो तुम मेरे 12 बजे आना, तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा मैं फुल VIP तुम्हारे मजे आ जाएंगे। अच्छा देखो ये गलत बातें कर रहा है, मेरी तरफ कैमरा रख के बहुत गलत बातें कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है जो आता है नहीं नहीं अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है और हमें मोहब्बत देता है, हम उसको मोहब्बत देते हैं। ये वाली मिसाल दे है कि आज तुम लड़की को इज्जत दो, लड़की का तुम्हें अपनी इज्जत देगी। अबे वो इंसान का बच्चा बन रहा है यार, दानियल इनका हां होती है यार। रो कुत्ता बुला दे, कुत्ते को अभी मैं कुत्ता बुलाऊंगा, इनका कुत्ता कटवाऊंगा। तो आरामी बन कर रहा है ना सर, आप बताए थे सीरियस चाय पी लो। अरे चाय माशाल्लाह से देखो लोग एप्पल शर्ट रखते हैं, ये एप्पल कम में चाय पी रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, एप्पल एप्पल है। माहौल बनाया जाए अलग और अलग बनाया जाए, क्योंकि एनी टाइम मैं कुछ ना कुछ कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा आज दोस्तों के साथ दोस्तों को टाइम दिया जाए, क्योंकि बड़े दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था और मैंने आज टाइम दिया इन लोगों को और बहुत मजा आ रहा है। अभी वो सरीना जाना है, अभी सरीना जाना है, बॉस के काम से जाना है, मोबाइल का मालूम करना, सरीना के बाद फिर अजमत के चलते हैं। आज का दिन तो भाई दोस्ती के नाम है, कोई इंदा होती यार। बड़ा मजा आया, बड़ी मजेदार चाय थी, बड़ी मजेदार चाय थी यार, बहुत 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 मजेदार। अच्छा दानियल आप इस चाय के बारे में कुछ कहेंगे, चाय कैसी लगी यार? चाय होटल के बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं नहीं होटल नाम नहीं है इसका कुछ भी। चाय अच्छी पर पर मैं हैरान और परेशान हूँ, तुम नथनों में नहीं घुसा। अरे ये बलगर पर सीख के होंगे हाई भी ये नथनों, इनको ना शदीद शादी की जरूरत है, कोई रिश्ता हो तो इनको जरूर बताएं। इतनी शदीद की निकल रही है दिन रात, गलत नहीं कह रहा, दुआएं निकलनी इनके, दुआएं निकलती है मतलब सब। यार अगर कोई बात भी लगी हो कोई भी सेंसर कर दूंगा मैं, वैसे ये क्योंकि दोस्तों में बैठे हुए होते ना तो दोस्तों में तो ऐसे चल रहा है। हाँ अच्छा ये बताया आप कैसे लग रहा हूँ मैं? लाल का बच्चा बन रहा है, टाइम पास के शुरू किया था और सब्सक्राइबर कितने होगा कितने कह रहा, कभी देखा ही नहीं खोल के इधर मरे हुए। एक सब्सक्राइबर हमारा बढ़ रहा होता ना कसम से, एक सिर्फ एक आधा किलो खून पड़ जाता है हमारा पूरा दिन। बार बार आप कौन नहीं बढ़ता सब जितना पता है इस बंदे का ना, अगर आधा भी बढ़ जाता ना, हालांकि इसके वीडियोस ना आते हैं सब्सक्राइबर आते हैं और सब्सक्राइबर आके चले जाते हैं। हां आते हैं, यूं आते हैं तो चले जाते हैं, पता नहीं क्या वो क्या देखने आते हैं इसका। यार हमारी आंख खुलती है ना सबसे पहले, तो हम पहले यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं, देखते हैं कितने बढ़ गए सब्सक्राइबर, फिर उसके बाद ये देखते हैं। अच्छा जी तो मैं जरा ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि ताकि पूरा हमारा ग्रुप आए, ग्रुप आना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी मेरा इम्पोर्टेंट।
सही है। और ये मेरा आधा समझ लो या पूरा समझ लो, ये पूरा है, आधा नहीं है। जितना जितना ये जमीन के ऊपर है ना, उतने जमीन के नीचे है ये। तो नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा भाई, ये नहीं उठाएगा। आप लिख के ले लो, ये नहीं उठाएगा। आप मजाक मजाक तो भाई मजा आया आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो। ये उंगलियों पर गिना हुआ मैंने लाइक सब्सक्राइब शेयर ये कर दो यार, कुछ नहीं जाता तुम लोगों का, सिर्फ एक बटन ही दबाना होता है और सपोर्ट मिलती है इससे यार। दोस्तों की तो मैं आपको क्या बताऊं, जो भी कोई बात बुरी लगी हो तो हम माजरत खवाएं। तो देखते रहो मेरे ब्लॉग, और आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी और कंटेंट मेरा चेंज होता रहेगा। तो देखते रहो सैडेस्ट ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव यू।